प्रिंसिपल का कॉल आया, सर ने बोला कि भाई 3 दिन से लड़कियां ब्रश हुई है, तो हम सुबह 7 बजे 6:30 बजे आ गए कॉलेज। फिर 6:30 बजे 3-4 लड़के और थे, वो हमें देख के भाग गए। और अब छुट्टी का टाइम हुआ, 10:30 हो गई, लड़के इधर से आते हैं, वहाँ देखते हैं, वापस चले आते हैं। फिर हम कॉलेज के पास से यहाँ आए तो लड़के चार यहाँ थे, पूछा भाई आप क्यों आए, तो मेरी धर्म बहन है, तेरी क्या है, मैं इसके साथ हूँ, तेरी क्या है, मैं इसके साथ हूँ। एक ही धर्म बहन है, जो चार लड़के क्या क्यों आए उनके साथ, पता नहीं धर्म बहन है कौन है क्या है। हमारे साथ लड़कियों की शिकायत मिलती है, आप आराम से घर पे जाओ, बात करो, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक। ये तस्वीरें जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें बाड़मेर के गर्ल्स कॉलेज के आगे की है, जहां पर बाड़मेर पुलिस की एंटी रोमियो स्क्वाड टीम ने 4 मनचलों को पकड़ा है। कॉलेज के बाहर छात्राओं को परेशान करने वाले 4 मनचलों को एंटी रोमियो स्क्वाड टीम ने पकड़ा है और उसके बाद कोतवाली पुलिस को इतला दी है। पुलिस ने 4 मनचलों को हिरासत में ले लिया है। आज सुबह एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम बाड़मेर कॉलेज के आगे गश्त कर रही थी। इस दौरान कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे, तो छुट्टी के दौरान जैसे ही छात्राएं बाहर निकली कॉलेज की, तो कुछ लड़के उन पर अलग अलग प्रकार के कमेंट कस रहे थे, उन छात्राओं को परेशान कर रहे थे। ऐसे में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम ने 4 मनचलों को पकड़ लिया और कोतवाली पुलिस को इतला दी है और मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई है। और पुलिस ने उन लड़कों को पकड़ने के बाद उनके परिजनों को भी इतला दी और उनके परिजनों को कहा कि आपके लड़कों को समझाइए। इस दौरान ऐसी बात भी सामने आई कि एक मंचले के परिजन, उसकी माँ आई तो उसने 2-4 थप्पड़े भी उस अपने बेटे को जड़ दी है। अब इन 4 मनचलों को एंटी रोमियो स्क्वाड टीम ने कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया है और आप देखिए कि बाड़मेर में एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम लगातार सक्रिय है। बहन बेटियों और छात्राओं को परेशान करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि लगातार बाड़मेर में एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम लगातार सक्रिय है और इस प्रकार के मंचलों पर कार्यवाही कर रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड टीम का क्या कहना है, ये हम आपको सुनाएंगे। और उससे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं बाड़मेर के गर्ल्स कॉलेज के आगे की तस्वीरें, जहां पर एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम ने 4 मंचलों को पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया है, जो कॉलेज की छात्राओं को कॉलेज परिसर के बाहर उन पर गलत गलत कमेंट बाजी करते थे और उन्हें परेशान करते थे। तो इसकी सूचना पर एंटी रोमियो स्क्वाड टीम ने 4 मंचलों को पकड़ा। ऐसा बताया जा रहा है कि एंटी रोमियो स्क्वाड टीम को कॉलेज प्रिंसिपल ने भी इत्तला देकर कहा था कि कॉलेज के बाहर कुछ लड़के लगातार छात्राओं को परेशान कर रहे हैं। ये लड़के एक मोटरसाइकिल पर थे, बिना नंबर की बुलेट गाड़ी पर सवार होकर कॉलेज के बाहर इन छात्राओं को परेशान कर रहे थे। अब मैं आपको सुनाता हूं कि इस पूरे मामले को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड टीम के मेंबर्स का क्या कहना है। हमने सभी से बारी बारी में बात की और आपको बताते हैं कि इन टीम का क्या कहना है। हुआ था पूरा मामला, क्या हुआ था मामला? ऐसा था कि सुबह 6 बजे यहाँ का एमबीसी गर्ल्स कॉलेज के सर का फोन आया था, उन्होंने कहा कि आज साइंस का एग्जाम है और लड़कियां भी ज्यादा है और आप आना गए। तो हम सुबह 6:30 बजे यहाँ आए तो इधर उधर देख के हम 7:30 बजे सारी लड़कियां एग्जाम देने के लिए अंदर घुस गई। उसके बाद हम वापस गए, फिर हम यहाँ 9 बजे आए, तो 9 बजे यहाँ इधर उधर आस पास में हम घूम ही रहे थे और लड़कियों की शिकायत भी थी कि मैम हम एग्जाम देने जाएंगे तो हमें कुछ मसले भी मिलते हैं ना, हमारे ऊपर गलत पत्तियां कसते हैं। तो हमने 10:30 बजे एग्जाम खत्म हो गया, फिर हम इधर एक गली के अंदर 4-5 लड़के बैठे देखा, तो हमने पूछा भाई यहाँ क्यों बैठे हो आप, तो किसी ने कहा कुछ डाउट बोल रहे थे, पता नहीं उसका कुछ, हमें यहाँ बैठने का रीजन उसका गलत था। तो हमने हमारे संबंधित कंट्रोल रूम कॉल किया, कंट्रोल रूम से संबंधित कोतवाली आ गए और कोतवाली। कितने लड़के थे मैडम कुल? 4 लड़के थे, 4 थे और 2 भागे। अच्छा, तो उनके परिजन भी आए थे यहाँ? उनके परिजनों को हमें कॉल करके बुलाया था, भाई उनके परिजनों को पता चले तो ही उनको कम से कम इन्फॉर्मेशन तो मिलेगा हमारे बच्चे कहाँ है। तो फिर उनके परिजन आए, उनसे बात की, फिर हमारे वो कोतवाली से गाड़ी आई। कौन लड़के थे, कहाँ के थे, क्या बोला है? कोई राय कॉलोनी का बता रहा है, कोई गुड़ा मलानी का बता रहा है, कोई बल्देव नगर का बता रहा है, कोई बाहर का है। अच्छा मैडम, आप बताओ एंटी स्क्वाड की जो टीम है ये शहर में किस जगह पर लगातार गश्त करती रहती है? लगातार स्कूल कॉलेज है,
पूरी सिटी में करती है, स्टेडियम है, पार्क है, सभी। तो ये मतलब कार्रवाई कितने समय बाद इस प्रकार की आज आपने कार्रवाई की? पहले कभी कार्रवाई कब हुई थी? ऐसा करते हैं हम, थोड़े बहुत डाउट होता है तो धमका के छोड़ देते हैं। पर आज ज्यादा डाउट था, ज्यादा था। ओके, पता है द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। हाँ पता है। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? क्या करूं, तैयारी को लेकर बहुत कंफ्यूजन में हूं। कहां जाऊं, कौन सी कोचिंग में एडमिशन लूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है, टीचिंग एग्जाम्स के क्षेत्र में राजस्थान के सबसे अच्छे कोचिंग के ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करो और घर बैठे बेस्ट टीचर्स के मार्गदर्शन में तैयारी करो। ठीक है, अभी आप इंस्टॉल कर लेता हूँ। ग्रेड या सेकंड ग्रेड या फिर हो स्कूल व्याख्याता की तैयारी की बात। शुरू करें सक्सेस का सफर सक्सेस पॉइंट के साथ।